Happy morning guys and welcome to my vlog number 3. I'm ready for my school, in fact for my job. तैयार हूँ निकलने के लिए, ठीक है. और टकीला को देखते हैं, टकीला उठ गया है. टकीला इनफैक्ट मेरे तैयार होने के बाद में डरता है. रीजन इसलिए टकीला को ये लगता है कि मैं आज उसको लेके जाऊँगी. उसको डेली उसको यहाँ से जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मे बी मैं किसी के यहाँ छोड़ती हूँ तो शायद उसको वो पसंद नहीं है. दो फ्रेंडली है उनके साथ में, बिकॉज टकीला लासा ऐप से थोड़ा फ्रेंडली है. चलिए देखते हैं कि टकीला कहाँ है, ठीक है. क्योंकि टकीला जैसे ही मेरे जाने का टाइम होता है या उसको लग जाता है कि आई एम रेडी, ओके, वो जाके एज यूजल अपने फेवरेट प्लेस सोफे के नीचे छुप जाता है, जहां से मेरे को उसको पकड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. सो गाइज लेट्स सी टकीला को ढूंढते. टकीला 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 मेरे बच्चों कहाँ है? टकीला टकीला. सो गाइज यू कैन सी टकीला कहीं नहीं मिल रहा है. मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए ये कर्टन्स के बीड्स के मूवमेंट है, इसका मतलब टकीला यहीं कहीं. ये देखिए यहाँ था, ये यहाँ से भी बंदा छुप गया है. टकीला टकीला. सो गाइज आई विल शो यू वेयर इज टकीला टुडे. हमेशा आपको बताया उसका फेवरेट प्लेस कहाँ है. ये देखिए, इफ यू कैन सी गाइज, ये रहा. सो गाइज इसको निकालते हैं वहाँ से और मैं आपको 2:30 बजे के या 3 बजे के बाद में मिलती हूँ, जॉब के बाद में एज यूजुअल, ठीक है. सो थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय. फ्रेंड्स मैं स्कूल से वापस आ गई हूँ और 3:30 साढ़े 3 तक वापस आई हूँ. स्कूल में एक टीचर के साथ में कुछ आज ट्रेजेडी हो गई थी, टाइम लग गया, उसके घर गए थे. तो खाने का लंच का टकीला भी आ गया है. टकीला आज मेरे घर पर आ गया, मेरे को लेने नहीं जाना पड़ा क्योंकि मैं लेट हो रही थी इस वजह से. तो अब 4:15 हो गई है. टकीला ने खाना खाया हुआ है सुबह 10:30-11 बजे का, तो टकीला के खाने का भी टाइम हो गया. 3:30 खिलाती हूँ, 15 मिनट ही ऊपर हुए. टकीला के लिए पनीर तैयार किया है मैंने, थोड़ा सा फ्रिज में से निकाला है, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पर हो जाए. जब तक आज मेरे लंच की दाल जैसी की तैसी हो गई है और मैं आज सिर्फ सैंडविच बनाने के मूड पे हूँ. अब करते हैं चाय नाश्ता. मेरा तो ब्रेड सैंडविच से काम चल रहा है, सुबह का लंच स्किप हो गया, अब रात का सीधा डिनर ही होगा. सो फ्रेंड्स थोड़ी देर सो के उठ गए और मशीन चलाना भूल गए, कपड़े पड़े हुए थे मशीन के अंदर. और ये देखिए ये टकीला हमारा, ये मैं सो रही थी और ये इधर उधर ये घूम रहा था. चाहे दरवाजा खुला, ये देखिए ये वेट ही कर रहा था मेरा कि मैं कब नींद से उठूंगी. क्या हुआ बेटा, कहाँ जा रहा है ये बार बार? कहाँ हुआ, क्या हुआ मेरे बच्चे को, क्या हुआ? टकीला टकीला लुक, क्या इधर देखो टकीला टकीला लुक. सो फ्रेंड्स पहले मशीन चलाते फिर नीचे कार साफ करने जाएंगे. कार आज थोड़ी गंदी हो गई, कल बारिश हुई थी इसलिए. और फिर आके सब्जी तो मैंने बना दी थी सोने से पहले डिनर के लिए. और ये देखो 6 बज गई है, पहले मशीन ऑन करते फिर नीचे कार साफ करके आते और उसके बाद ला के चपाती बनाएंगे. किचन की विंडो से देखिए, अभी तो मैं सब्जी संभाल रही हूँ. ये देखिए प्लीज़,
प्लेइंग, बच्चे बुलाने भी आए थे अभी टकीला के लिए, मैंने उनको बोला जस्ट गिव मी 15 मिनट्स, मैंने कहा आई एम कमिंग। सो फ्रेंड्स, हम मुझे जा रहे हैं टकीला को लेके, बदमाश मानता नहीं है, ये वापस छुप छुप के बैठ जाता है। ये देखिए, ये बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, ये बारिश होती है तो डरता है। चलिए फिर नीचे गार्डन में चलते हैं टकीला को लेके, आपसे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी इट्स रेनिंग एट लास्ट। जोधपुर के इस गर्मी के अंदर बारिश स्टार्ट हुई है और टकीला को लेके हम बाहर आए और बच्चे सोसाइटी के खेल रहे हैं बारिश में। टकीला घबराया हुआ है, टकीला अभी भी मेरी गोद के अंदर है। टकीला बारिश से डर रहा है। वैसे हम लोग बारिश में नहीं खड़े, वेदर बहुत प्लेजेंट हो रहा है। सोसाइटी के सारे पौधे भी लश ग्रीन हो गए बारिश की वजह से। ये मुंह दिखाई के बगैर नहीं दिखाता मुंह। टकीला डरा हुआ है और इट्स रेनिंग। आज आपको थोड़े बारिश के वो से दिखाते हैं, बच्चे की शरारतें दिखाते हैं। So you can see the view. This is the back side of our society. टकीला यही रहा। टकीला बिल्कुल मूड में नहीं उतरने के, ना मैं इसको उतारने के मूड में, क्योंकि टकीला अभी गंदा हो जाएगा उतारने के बाद। यहाँ पे एक बच्चा भी है जो वेट कर रहा है टकीला के लिए, लेकिन वो गोद में लेने से डरती है। बट ये बच्चे इतने स्वीट है फ्रेंड्स कि ये डेली मेरे को 6:30 पर बेल बजा रहे थे। वैसे आई एम लिटिल लेजी, मैं लेजी इंसान हूँ, मैं इतना जल्दी नीचे घूमने आती नहीं हूँ। से हेलो टू माय फ्रेंड्स। हेलो गाइस। देखो दीदी लोग क्या कर रहे हैं, ये दीदी लोग नहा कर आए हैं, बारिश के अंदर एंजॉय करके आ रहे हैं। चलो बाय बाय टकीला, लुक हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, तो हम भी चलेंगे लिफ्ट के अंदर। यस, सेकंड फ्लोर। टकीला को प्यार करना बेबी को। टकीला तो बारिश में भीगा लेकिन डर गया। बिजली भी कड़की थी आज थोड़ी। आज स्कूल नहीं गए बच्चे? नहीं, हितिशा थोड़ी वजह से थोड़ा फीवर टाइप हुआ था। पर अब वो ठीक है। थोड़ी थोड़ी चुमाक में छुछुर हो रही है, तो आप है ना बारिश में क्यों भीगे? मम्मा नहीं डांटेगी क्या? चलो जाए टकीला को बाय बोल दो। बाय टकीला। बाय टकीला। फ्रेंड्स, यू कैन सी लिटिल लिटिल किड्स, दे लव टकीला। चलो जाए, कल शाम को वापस मिलते हैं। बाय बच्चा, गॉड ब्लेस। वेलकम फ्रेंड्स, 8:30 बज गई है, टकीला के डिनर का टाइम हो गया था। टकीला अपना डिनर कर रहा है, बस टकीला डिनर कर ले, उसके बाद में मुझे भी अपना डिनर करना है। ये बारिश है, एम्फी थिएटर पे आप देख सकते हैं गीला है, रिमझिम बारिश आ रही है। ये बर्ड भी बताते हैं, मैंने आपको बताया था कि मेरे कॉकटेल बर्ड भी है मेरे पास में। छोटा था ये, थोड़ा घायल था ये जब मुझे मिला था अपने मम्मा के घर की छत के ऊपर। शायद किसी बिल्ली ने इसको घायल कर दिया था, इसके पंख भी खा लिए थे। फिर काफ़ी वेट डॉक्टर का इलाज भी कराया, बाय गॉड्स ग्रेस बच गई, बच गया है। वैसे ये मेल बर्ड है, इसका नाम भी टिपिकल है भाई, मैं आपको बता दूं। बाला, ये देखिए, ये समझता है, ये सुनता है। बाला, और बाला की और टकीला की बिल्कुल नहीं बनती है। सो फ्रेंड्स, इट्स 9:25, खाने में लेट हो गया, टकीला ने मुझे खाना खाने के लिए उठने नहीं दिया। सो माई फूड इज़ रेडी, इधर से थाली में लगा रखा है मैंने। ओके, वो मटर की सब्जी बनाई है, एक फ्राई आलू भी बनाए थे, एंड मैंगो शेक इज़ ऑल्सो रेडी। ओके, सो
लाइक माय डिनर एंड देन आई स्लीप अर्ली टुडे एज आई टोल्ड यू. हल्का सा माइग्रेन हो रहा है मेरे को. सो आई विल कैच यू टुमारो. गुड नाइट फ्रेंड्स. प्लीज टेक केयर. बाय.